पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम जमकर अभ्यास कर रही है, खूब पसीने बहा रही है और कल अभ्यास का दूसरा दिन था। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स टॉक ने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कल शेयर की थी। हमने कहा था कि भाई दीपक चाहर इंजर्ड नहीं है और कुलदीप सैन जो है वो सिर्फ नेट बॉलर के तौर पर गए हैं, और कल के विजुअल्स में आपने देख भी लिया होगा कि दीपक चाहर किस तरीके से लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। और कल भारतीय टीम का दूसरा प्रैक्टिस सेशन था, फुल फ्लेज भारतीय टीम ने अभ्यास किया, जहां पर की हाइलाइट्स रहे आपके कप्तान रोहित शर्मा एंड देन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे विराट कोहली, दोनों को लगातार गेंदबाजी दीपक चाहर करा रहे थे, हर्षदीप सिंह करा रहे थे, वहां पर रविंद्र जडेजा थे, रविचंद्रन अश्विन थे, आवेश खान थे, यानी कि सभी के सभी खिलाड़ी जो थे वो इन्वॉल्व थे लगातार अभ्यास करते हुए। जबकि नेट पर कल बल्लेबाजी करने के लिए जब आए थे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, दोनों एक बार फिर से अटैकिंग किस्म की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि हाई बैकलिफ्ट के साथ लंबे लंबे शॉट्स लगाने का अभ्यास कर रहे थे, तेजी से जो रन बनाने के जो चीजें होती हैं वो करते हुए नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनसाइड आउट क्लियर करना, यानी कि 30 गज के घेरे को क्लियर करना, इस तरीके के तमाम शॉट्स खेलते हुए नजर आए, हाई रिस्क शॉट्स खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज नजर आए। केएल राहुल ने भी बल्लेबाजी की, देन सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने भी बल्लेबाजी की, लेकिन हाईलाइट रहा जिस तरीके से दिनेश कार्तिक कल नेट सेशन कर रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वाकई में रिदम में है और उनको 110% हो सकता है कि भारतीय टीम खिलाए, क्योंकि स्पोर्ट्स टॉक का मानना है कि दीपक आपके दिनेश कार्तिक टीम में होने ही चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि बड़े मैच विनर हैं और जो मैचेस उन्होंने जिताए हैं वो सिंगल हैंडेड जिताए हैं। तो कल जब उनको नेट पर बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा, गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, लंबे लंबे शॉट्स लगा रहे थे और तेज गेंदबाज के खिलाफ में, स्पिनर्स के खिलाफ में बहुत कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट्स खेल रहे थे और लगातार वीवीएस लक्ष्मण की नजर बनी हुई थी, ना सिर्फ बल्लेबाजों पर बल्कि गेंदबाजों पर भी। तो ओवरऑल कल भी बहुत शानदार रहा भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन, आज भी प्रैक्टिस सेशन है और आपको बता दें कि कल भी है, कल टूर्नामेंट की शुरुआत है लेकिन कल भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन है और कल टीम इंडिया जल्दी प्रैक्टिस करेगी, यानी कि धूप में भारतीय टीम प्रैक्टिस करेगी, अभी तो अंडर लाइट कर रही है गर्मी से बचने के लिए, लेकिन कल भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन 2 घंटे पहले है तो उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इस समय लगातार भारतीय टीम अभ्यास कर रही है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिले और 28 तारीख का मैच जो है उसमें टीम इंडिया जीते। आपको कैसे लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।